आम आदमी पार्टी ने अमित शाह से पूछे पांच सवाल। पांच सवालों से संबंधित जिले भर में लगाए पोस्टर। अमित शाह से पांच सवालों से संबंधित मांगे जाएंगे जवाब। सिरसा से खबर है, आम आदमी पार्टी द्वारा देश के गृह मंत्री अमित शाह से जिला सिरसा की पांच गंभीर समस्याओं पर जवाब देने की मांग से संबंधित पोस्टर अभियान जिला भर में चलाया गया। राष्ट्रीय परिषद के सदस्य व लोकसभा सचिव वीरेंद्र कुमार एडवोकेट, जिला अध्यक्ष हैप्पी रानिया, वरिष्ठ नेता धर्मपाल जाट, लोकसभा उपाध्यक्ष दारा सिंह दमदमा ने शहर सिरसा में पोस्टर लगाकर अभियान की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए जा रहे पोस्टर में जो पांच सवाल पूछे गए हैं, उनमें परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को गांव में कैंप शिविर लगाकर कब तक सही किया जाएगा। जिला सिरसा की नगर परिषद व नगर पालिकाओं में टेंडर राशि का 42% कमीशन के रूप में भ्रष्ट बीजेपी नेता व अधिकारियों द्वारा जबरन वसूला जा रहा है। 42% कमीशन पर अमित शाह से जवाब मांगा गया है। प्रॉपर्टी आईडी में बड़ा भ्रष्टाचार है। सीएम फ्लाइंग की रेड में साबित हुआ है कि सिरसा नगर परिषद में 1600 एनडीसी आवेदन बगैर किसी कारण के पेंडिंग में है। एनडीसी के नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार पर भी जवाब मांगा गया है। तहसील कार्यालयों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है। जनता को तहसीलों में काम करवाने के लिए रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है। जिला सिरसा में नशे से प्रतिदिन युवाओं की मौत हो रही है। जिला स्तर पर हो रहे नशे के बड़े स्तर को कारोबार को लेकर जवाब मांगा गया है। आप नेताओं ने बताया कि अमित शाह को सिरसा की उपरोक्त पांच गंभीर प्रशासनिक समस्याओं पर जनता के सवालों के जवाब देने की मांग की गई है। यह अभियान आम आदमी पार्टी द्वारा जिला भर में चलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में पांच सवालों से संबंधित पोस्टर लगा रहे हैं। इस मौके पर जिला कार्यालय प्रभारी हंसराज शर्मा, वरिष्ठ नेता हरबंस लाल, जिला उपाध्यक्ष राजन हिंदुस्तानी, श्रवण सिंह, राजेंद्र सिंह, कश्मीर कंबोज, सतीश कुमार, नवदीप सिंह सगतपुरा, लखविंद्र सिंह सहोता, राजकुमार वधवा, जगातार सिंह साहूवाला, राजेंद्र सिंह सहित अन्य पार्टी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। 18 तारीख को देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी सरसा आ रहे हैं और सरसा की जनता की जो पांच गंभीर समस्याएं हैं उनको लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा अमित शाह जी से जनता की तरफ से पांच सवाल पूछे जा रहे हैं और हम आशा करते हैं माननीय अमित शाह जी सरसा की जनता को सरसा में आकर इन गंभीर समस्याओं पर जो मुद्दे हैं उनके ऊपर जवाब देंगे। आप देख सकते हैं कि परिवार पहचान पत्र के अंदर प्रशासनिक की त्रुटियों से लाखों लोगों के राशन कार्ड और पेंशन कार्ड कट गए हैं और हम अमित शाह जी से इसका जवाब चाहते हैं कि ये कब तक ठीक होंगे। जो प्रॉपर्टी आईडी है उसके अंदर को लेकर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। पीछे सीएम के द्वारा सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी थी नगर परिषद में, उसमें माना गया कि 1600 एनडीसी के आवेदन पेंडिंग में हैं, यानी कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जो आरोप लग रहे हैं वो सही हैं। हम चाहते हैं कि अमित शाह जी उस पर भी जवाब दें। नगर परिषद के अंदर एक धरना लगता है ठेकेदारों के द्वारा, जो आरोप लगाता है कि जितना भी विकास राशि आवंटित होती है उसका 42% नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा कमीशन के रूप में ले लिया जाता है। हम चाहते हैं कि अमित शाह जी इस पर भी जवाब दें। जिले के अंदर जो तहसील कार्यालय है वहाँ बड़े सत्र का भ्रष्टाचार है और जो नशा हमारे जिले के अंदर बिक रहा है इस पर भी हमें अमित शाह जी से जवाब मांगा है और इससे संबंधित ये पोस्टर पूरे जिले के अंदर आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए जा रहे हैं।